हेलो फ्रेंड्स, चेतनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों और पार्टियों में बनने वाला एक वेज स्टार्टर जो बहुत ही पॉपुलर है, वो है वेज नूडल्स स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है 1.5 कप मैदा और इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच नमक और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं और उसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करते रहेंगे ताकि वो अच्छे से स्मूथ हो सके और उसमें एक लचीलापन भी आ सके। तो एक स्मूथ सा डो लगा लेते हैं इसमें। ये देखिए, एक सॉफ्ट सा डो हमने लगा लिया है। अब इसमें 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और उसको डाल के हम एक बार अच्छे से फिर दोबारा से इसको मथेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको मथते हुए बहुत स्मूथ सा डो लगा लिया है। अब मामूली सा ऑयल इस पर अप्लाई कर देते हैं और इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक इसकी फिलिंग हम तैयार कर लेते हैं जो हम नूडल्स से और वेजेस से तैयार करेंगे। तो हमने ये इसकी फिलिंग के लिए यहाँ पर ली हैं ये 2 तरह की शिमला मिर्च, ये हमने ग्रीन और रेड कलर के बेल पेपर्स लिए हैं। यहाँ पर हमने कुछ गाजर को इस तरीके से लंबा लंबा काटा है और थोड़ी सी हमने यहाँ पर ली है पत्ता गोभी और इसे भी हमने बारीक बारीक और थोड़ा सा लंबा काट लिया है। और यहाँ पर ये थोड़े से हमने बॉइल्ड नूडल्स लिए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल लेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच ऑयल और थोड़ा सा गर्म होने देते हैं इसको। ये लीजिए, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये गाजर। साथ ही ये शिमला मिर्च। इन सारी सब्जियों को फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, इनका हम क्रंच बनाए रखेंगे। बस हम थोड़ा थोड़ा से इनको सॉफ्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से नूडल्स के साथ मिक्स हो सकें और जब हम इन्हें रोल बनाने के लिए उसके अंदर फिल करें तो आराम से ये भरी जा सकें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। आप इसकी जगह सेजवान सॉस या चिली सॉस जो आती है रेड चिली सॉस, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही ये 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं नूडल्स का मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें कुछ सॉसेस भी ऐड करेंगे। यहाँ हम डाल रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। एक 1/2 चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं डार्क सोया सॉस और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे विनेगर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए और इसको सारी सब्जियों को भून लेते हैं इन सॉसेस के साथ, इन मसालों के साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये नूडल्स।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स बनकर तैयार हैं और बस अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं और उसके तब तक हमारा जो डो है वो भी अच्छे से रेस्ट करके तैयार हो जाएगा। फिर हम इससे अपने स्प्रिंग रोल्स बनाने शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट होकर तैयार है और यहाँ पर नूडल्स भी हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनमें से ये रोल बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे इसे। कि देखिए, हम एक इस तरीके से पेटी तोड़ लेते हैं इसके अंदर से। और हमें एक पतली चपाती इसकी बेलनी है, जैसे हम लोग रोटी या पराठे के लिए जो बेलते हैं उसी तरीके से हम इसे बेलेंगे। बाकी के आटे को हम ढककर साइड में रख देंगे और इसे गोल कर लेते हैं इस तरीके से। और इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे हम। और इसको इस तरीके से बेलते हुए गोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें एक पतली सी चपाती बना लेनी है। आप देख सकते हैं हमने कितनी पतली बनाई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस ये जो नूडल्स हमने बनाए हैं इसको रखेंगे। थोड़ा सा हम स्पेस यहाँ पर छोड़ेंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे बहुत ज़्यादा ना भरें, थोड़ा थोड़ा ही भरें। और यहाँ से हम इस तरीके से उठाएंगे और ये देखिए इसको अंदर करते हुए स्टफिंग को। इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये जो स्पेस बचा हुआ है इस पे थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे ताकि ये चिपक सके। थोड़ा अच्छे से ही लगा लेंगे ताकि जो हमारे ये रोल्स हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैक हो जाएं और जब हम इन्हें फ्राई करने के लिए डालें तो ये खुले नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये रोल तैयार हो गया है। हम बाकी के रोल भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने स्प्रिंग रोल भरकर तैयार कर लिए हैं और इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पर कढ़ाई भी रख ली है और ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इस तेल में इनको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। बहुत हम सेफ्टी से डालेंगे और हम एक बार में एक दो ही डालेंगे या जितने आपके आ सकें उतने डाल दें आप। तो इनको फ्राई करने के लिए डाल देते हैं और हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे और अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं और फिर सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इन पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बस हम थोड़ा सा इसको साइड में ऐसे कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाए और फिर इनको कट करके सर्व करते हैं। ये देखिए बढ़िया सा हमने इसको सेक लिया है। तो अब हम आपको कट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से कितना बढ़िया क्रिस्पी हो रहा है और ऊपर से भी कितना क्रिस्पी है और अंदर से आप नूडल्स देख सकते हैं, बढ़िया से हमने इसको स्टफ किया हुआ है। तो बस इसी तरीके से कट करके हम सर्व कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे वेज नूडल्स स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप इन्हें फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस एक बार अच्छे से डो, एक सॉफ्ट सा डो लगा कर तैयार कर लें और ये नूडल्स तैयार कर लें। आप नूडल्स पहले बॉईल करके रख लें, उसके बाद जब आपको तैयार करने हैं फटाफट से इन्हें तैयार करके इसके अंदर आप अपने मन से भी जो आपको सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं वो डाल सकते हैं। और फिर इस थोड़ा बस रैप करने का आप थोड़ा ध्यान रखें कि अच्छे से इसको रैप करें ताकि जब हम इनको फ्राई करने के लिए डालें तो ये खुले नहीं या ख़राब ना हो और इनके अंदर से ये नूडल्स बाहर ना आए। और अच्छे से फिर आप इनको सेक लें, थोड़ा सा पहले मीडियम आंच पर इनको सेकें, उसके बाद हम इनको हाई फ्लेम पर ब्लास्ट करें ताकि इनमें ना तो ऑयल भरेगा उससे और ये बढ़िया से सिकेंगे भी। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और इन्हें बनाना बिल्कुल आसान है। आप जब चाहें इन्हें पार्टी के लिए इंजॉय बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।